सर्वर में देखो यहाँ पे होता है सपोर्ट टूल्स, तो ये तो हम सब इंस्टॉल कर चुके हैं मिस्टर क्लाइंट तक, इसके नीचे हम नहीं गए। यहाँ एक ऑप्शन आएगा अपडेट मैनेजर, इसको जाना है। देखो लिखा हुआ है इसमें अपडेट मैनेजर इनेबल द सेंट्रलाइज ऑटोमेटेड पैच एंड वर्जन मैनेजमेंट ऑफ ESXi मशीन वर्चुअल मशीन्स एंड वर्चुअल अप्लायंसेज। वर्चुअल अप्लायंसेज को भी अपग्रेड करता है, ESXi को अपग्रेड करता है, मशीन्स को भी अपग्रेड करता है, ठीक है। प्रीरिक्विजिट है इसके लिए वीसेंटर सर्वर, लेकिन वीसेंटर सर्वर पे ही इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, क्या करता है सिग्नल टास्क चला देता है, तो वीएम को पहले चेक करेगा या अपडेटेड है कि नहीं, उसके जो भी चीज़ें उसको अपडेट करना ऑटोमेटिक करता है, अपडेट नहीं करता। मैनुअली भी करते हैं और ऑटोमेशन भी करते हैं, दोनों काम इंस्टॉल भी करेंगे या नहीं करेंगे। अब इंस्टॉल हो गया, पहले इंस्टॉल हो गया, वो जल्दी
डाउनलोडिंग के लिए ऑप्शन आएंगे कि इसके बाद वो डाउनलोडिंग करें, तो मैं इसको अनचेक किसने कर देता हूँ, जो इंटरनेट यहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पर बाद में भी आप डाउनलोड करा सकते हैं, यहाँ बाद में भी ऑन कर सकते हैं। अभी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ सब इंटरनेट सर्च करेगा, तो दिक्कत करें इसलिए पहले कल जाना। नेक्स्ट अब यहाँ देखो आई पी एड्रेस आ रहा है, पी सेंटर सर्वर का कोड नंबर आ रहा है, यहाँ अभी डालना है कौन सा यूजर नेम पासवर्ड, एस एस ओ, तो एस एस ओ का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो डाल दो। स्मॉल स्केल के लिए अगर आपको ज़्यादा बड़ा इन्वायरमेंट है तो उसमें फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस बनाना पड़ेगा अलग से, सिक्योर सर्वर डेटाबेस अलग होना, उसका यहाँ पे डीएसएन नंबर डालना पड़ता है डेटा सोर्स में, ओडीबीसी डेटा सोर्स होता है उसकी प्रॉपर्टी में जाओगे वहाँ डीएसएन क्रिएट हो जाता है, उसको उठा के यहाँ कॉपी करना। ज़्यादा बड़ा हमारे पास तो स्मॉल है, स्मॉल स्केल है, तो हम उसका पास दे देंगे हम उसके अंदर जाएगा। यहाँ पे अभी देखो इसके पोर्ट नंबर क्रिएट हो रहे हैं, इसका शोर कोड होता है 8084908 4 9 0। ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। यस आई हैव इंटरनेट कनेक्शन, आई वॉन्ट टू कंफिगर प्रॉक्सी, ये कब है जब इंटरनेट प्रॉक्सी से चल रहा है तब टिक लगाना है, वो प्रॉक्सी सेटिंग डालनी पड़ेगी, अगर इंटरनेट डायरेक्ट चल रहा है तो उस पर टिक लगानी ही पड़ेगी। ये आपका पास ले लिया इसने, सी प्रोग्राम फाइल वी एम वेयर अपडेट मैनेजर, डेटा यहाँ जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर ये यहाँ पर इंस्टॉल करेगा, मैचेज इस लोकेशन पर जाते हैं डेटा वाले डलेगा इसके लिए, ठीक है। तो ये कह रहा है आपके पास 120 GB हार्ड ड्राइव होनी चाहिए इसके लिए, तो हमारे पास तो 500 GB लगी हुई है हार्ड ड्राइव, तो कोई दिक्कत नहीं डेटा सोर्स नियम डिफाइन करके यहाँ डालो, जिसका पास ले लेगा डेटा बेस में पैकेज वगैरह जो डेटा बेस में ऐसा होता है ना, इन्वेंट्री के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका डेटा वहाँ जाता है, उसका पूरा डेटा बेस बनता है, कौन सी मशीनें आपके पास है उसका डेटा वो बनेगा, किसके फ्री सेंटर से रजिस्टर है क्या है वो उसका पूरा डेटा पूरा सेंट्रलाइज डेटा वो बनता है। तो फिर आप हाँ ले लेना।
साइंस पर डिपेंड करता है कितना डेटा अंदर है, आर्टरी कितनी खाली है। सर्जरी करते तो सर्जरी का स्कैन पार्ट होगा, सर्जरी का सर्जरी का डेटा पार्ट होगा, जो जितना डेटा पार्ट होगा उतना स्कैन पार्ट होता है। ये इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद आप रिसेंट सर्वर पे आ जाएंगे। ये आपका वी सेंटर सर्वर है, इस पर आप आ जाएंगे, प्लगइन्स के अंदर जाएंगे, मैनेज प्लगइन। अब इसलिए नहीं आया कि वी सेंटर को दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा, ये खुला हुआ था ना, इसलिए नहीं आया, दोबारा से डालना पड़ेगा। यहाँ किया है, यहाँ पे इस पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर, ये इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि पहले से इसमें डाला हुआ है। ये प्लगइन कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी, इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड प्लगइन पे ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है डाउनलोड प्लगइन, इस पर क्लिक करके सेटअप चलेगा और वो प्लगइन यहाँ आ जाएगी। ठीक है, बस यही फर्क है। यहाँ देखो एक ऑप्शन क्रिएट हो जाता है अपडेट में, ये चीज़ आप यहाँ से भी खोल सकते हो। सॉल्यूशन के अंदर डेटा रिकॉर्डिंग के नीचे आपको मिलेगा अपडेट। पहला काम है देखो डाउनलोड पैचेज है ना, क्लिक कर देते हैं तो डाउनलोड टास्क है स्टार्ट है, तो डाउनलोड टास्क के देखो यहाँ पे लग गई है। अब ये इंटरनेट ढूंढेगा और इंटरनेट से जितने भी सिक्योरिटी पैचेज हैं उन्हें डाउनलोड करें। पहला काम तो डाउनलोड करने में करीब जो है ना 2 से 3 दिन लग जाते हैं। अगर अच्छी खासी स्पीड चाहिए तो 10 MB 20 MB तो वो सारे पैचेज पूरे डाउनलोड करेगा। तो बस नहीं कहा क्या डाउनलोड करके वेरीफाई करें सर, ये पैच रिक्वेस्ट यहाँ आएंगे, यहाँ दिखाए कौन कौन से प्रोडक्ट आए हैं, उसको सिलेक्ट करने हैं तो हाँ सिलेक्ट कर लो यहाँ से, वो वहाँ से कॉन्सलेक्ट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, उसको भेज रहे हैं मुझे लेट कर ले, मांगे ना तुम्हारे इंटरनेट से जो है सिर्फ उसकी जो है ना, देखो ये पैच रिक्वेस्ट फ्री आती है, डाउनलोड वो बाद में होता है, तो खाली पहले दोस्ती यहाँ आ जाती है, उसके नाम आ जाते हैं, अच्छा इंटरनेट बिल्कुल नहीं आप क्या कर सकते, यहाँ पर आ जाते हैं वो और उसके बाद वो तैयार किया जाते हैं। ये तो देखो डाउनलोड नहीं कर रहा है, मतलब खाली जो है वैसे चल रहा है, खाली जाता है डाउनलोड कहाँ कर पाएगा इंटरनेट में। इसमें कुछ नहीं होता, बेसलाइन क्रिएट होता है। पहला काम ये हो गया आपका, देखो
लिए बेस लाइन बनाई जाती है, तो उसके लिए यहाँ पे हम करते हैं एट न्यू बेस लाइन। बेस लाइन समझते, बेस लाइन का मतलब होता है कि भाई आप क्या क्या चीज़ें ले रहे हो, आप नियम को अपग्रेड करना चाहते हो या फिर आप क्या कहते हैं उसको वर्चुअल अप्लाइंस को अपग्रेड करना चाहते हो या फिर ESXi को अपग्रेड करना चाहते हो, तो इनमें से आपको एक चीज़ चूज करनी पड़ेगी, उसकी एक बेस लाइन मिल जाएगी। बेस लाइन मतलब रूल एंड रेगुलेशन, जो क्या क्या चीज़ें वो अपग्रेड करें, तो उसके लिए हमें बेस लाइन आप बनाते हैं। बेस लाइन का नाम लिख दिया मैंने ESXi अपग्रेड। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल सकता हूँ जिसके बना रहे हैं। अब यहाँ इनमें से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करोगे, अब यहाँ पे देखो मैंने ऑप्शन चूज किया है होस्ट अपग्रेड, क्योंकि मैंने यहाँ बेस लाइन बनाई है ESXi अपग्रेड, यानी जितने मेरे होस्ट होंगे उनमें अगर ESXi पुराने पड़े हैं तो मैं उनको अपग्रेड कर सकता हूँ। तो इस प्रोफाइल को चूज़ करने पे बेस लाइन का टाइप चूज़ किया मैंने, ये कह रहा है कि द होस्ट अपग्रेड बेस लाइन ऑफ ESXi इमेज दैट विल अपग्रेड द ESX और ESXi टू द सेलेक्टेड वर्जन, टू अप्लाई द बेसिक सॉफ्टवेयर यू मस्ट अप्लाई द एक्सटेंशन ऑफ पैकेज बाई यूजिंग होस्ट एक्सटेंशन पैकेज। ठीक है, तो पहले ये बनेगा, उसके बाद इसके जो होस्ट एक्सटेंशन है वो ऐड की जाएगी। नेक्स्ट कर दो। अब यहाँ पे देखो ESXi की इमेज आपको यहाँ पे चाहिए हो, तो ESXi की इमेज जो है वो आप मतलब इम्पोर्ट कर दो, तो जो अपनी नई चीज़ें डाउनलोड की है ना ESXi वो अपग्रेड करनी पड़ेगी, वो आपको इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। इम्पोर्ट करने के बाद यहाँ आ जाएगा, यू कैन डू नॉट सी द ESXi इमेज यू आर लुकिंग फॉर द लिस्ट, गो टू द एडमिन व्यू ESXi इमेजेस टैब टू इम्पोर्ट द न्यू। अब यहाँ पे देखो जब बेसलाइन में आ रहा है उससे पहले इम्पोर्ट करना पड़ेगा आपको ESXi, यहाँ पे इंपोर्ट करोगे आप ESXi की इमेज लेते हो। अब यहाँ पे देखता हूँ कोई पड़ी हो तो, कॉपी करनी पड़ेगी। इमेज से ही तो अपग्रेड करेगा, मेन काम होता है ESXi को अपग्रेड करना। सारी डाउनलोड करोगे ना पहले कनेक्ट कर डालेंगे, अब उन्हें इम्पोर्ट करोगे अपडेट करने के लिए बेसलाइन कौन सी बना रही है ESXi अपग्रेड होने के लिए, उसमें चाहिए उसको पहले अभी वो डाट होता है ISO होनी चाहिए।
पांच उसको तो पांच ही होगा, एक ही होगा, एक ही होगा, एक ही होगा, सीधी तो एक ही होगा। वैसे तो कोई भी हो सकता है, अपडेटेड होनी चाहिए। नहीं होगी
अंदर का चीज़ें अपग्रेड होंगी। डाउनलोड पैकेज हो गया, ऐड कर दिया आपने बेसलाइन स्कैन इन्वेंट्री, थर्ड आपका काम हो जाएगा इन्वेंट्री को स्कैन करना।
on the stand on there. And what are you? Okay. Remediate
करने का मतलब है जो स्लैम बनाए थे उसको अप्लाई कर दिया। अच्छा ये है ना, देखो रेमिडियट दोबारा चला देता हूँ, ये रेमिडियट पे क्लिक करोगे आप अपग्रेड द बेस लाइन, बेस लाइन जो जो होंगी वो ज़्यादा होंगी यहाँ पर, ये एस एक्स है देखो 200 नंबर के, उस पर अपग्रेड करेगा, लाइसेंस एग्रीमेंट को एग्री करो, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो है उनको हटाने के लिए रहता है, तो थर्ड पार्टी आपने डाल के रखे हैं दो वर्ड में, बेस का नाम टास्क का नाम आ गया, अपग्रेड भी अपग्रेड करेगा, तो जाएगा ऑफ ऑफ में बंद करेंगे, जैसे ऑन करोगे एरर देगा, तो
और वाइंस ये दो नाम है।
ठीक है, अगर ये दो नाम बता दिया तो ओके हो जाएगा। ले लेगा वो भाई।